हाय गाइस दोस्तों, अगर आपने इसरो की कोई लॉन्चिंग देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा इसरो अपनी लॉन्चिंग पीएसएलवी एंड जीएसएलवी रॉकेट से ही करता है। आज मैं आपको इन्हीं रॉकेट्स के बारे में बताने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम रॉकेट्स का यूज करते हैं ताकि हम सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोवाइड कर सके जिससे यह सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सेट हो जाए। ये सैटेलाइट्स मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स होती हैं जिनकी अर्थ से हाइट 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। इन सैटेलाइट्स का यूज अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ मैपिंग एंड वेदर की मॉनिटरिंग में होता है। सेकंड है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इन सैटेलाइट्स की एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से बिल्कुल मैच करती है, इसीलिए ये सैटेलाइट्स अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है, यानी रुकी हुई होती है। इन सैटेलाइट्स का यूज कम्युनिकेशन एंड जीपीएस में होता है। ये सैटेलाइट्स अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं रॉकेट्स के बारे में। दोस्तों, लॉन्चिंग कौन सा रॉकेट यूज होगा ये डिपेंड करता है हमें कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करनी है। फॉर एग्जांपल, लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम पीएसएलवी का यूज करते हैं एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए हम जीएसएलवी रॉकेट का यूज करते हैं। पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह 4 स्टेज का एक रॉकेट है जिसके फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल एंड सेकंड एंड फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल होता है। पीएसएलवी इंडिया का सबसे रिलायबल रॉकेट है जिसे इसरो लगभग 22 सालों से यूज कर रहा है। इसकी हेल्प से इसरो ने अब तक लगभग 41 लॉन्चिंग की है जिनमें से केवल 2 ही अनसक्सेसफुल रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो चंद्रयान 1 एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन में इसी रॉकेट का यूज किया गया था। रिसेंटली इस रॉकेट का यूज करके इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में एक बार में ही लॉन्च किया था, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसरो के दूसरे रॉकेट जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह रॉकेट हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करना होता है। जीएसएलवी एक मल्टी स्टेज रॉकेट है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल, सेकंड में लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट इंजन क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन काफी एडवांस्ड इंजन माना जाता है क्योंकि इस इंजन की हेल्प से ही हम सैटेलाइट को हायर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। यह काफी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसे अब तक केवल 6 कंट्रियों ने बनाया है, जिसमें से इंडिया भी एक है। दोस्तों, इसरो के रॉकेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी सस्ते हैं एंड रिलायबल हैं। यही रीजन है कि इसरो को सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और अब तक इसरो जो है वो काफी सारी कंट्रियों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। बट इन रॉकेट्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी अदर कंट्रीज के रॉकेट से थोड़ा कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीएसएलवी रॉकेट की बात करें तो यह 1750 केजी से ज्यादा की सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकता है। एंड सेम जीएसएलवी की बात करें तो यह इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सिमेट 2500 केजी तक है। बट जिस स्पीड से इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस बना रहा है, डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में यह अपनी कैपेसिटी को और भी आगे ले जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए।